हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है इसमें डाउट आता है, तो इसलिए ये टॉपिक मैंने लिया है ताकि जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स है वो सारे आपके सॉल्व हो जाए। ये टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और हम इसमें करेंगे एरिया बेस्ड क्वेश्चन। एरिया रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है और उसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप कर्व। इट इज अ बेल शेप कर्व। इस तरह का एक कर्व होता है जहां पे सेंटर में क्या कहेंगे, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, बराबर होती है। कहां पे? इस सेंटर में एक्स बार इक्वल टू एम इक्वल टू जेड, तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, जिसको हम कॉमनली क्या कह सकते हैं, म्यू। इट इज कॉमनली नोन एज म्यू। लेफ्ट हैंड साइड में जो ये हमारा कर्व है ये एक्सटेंड होता है अप टू माइनस इनफाइनाइट, एंड राइट हैंड साइड में भी इट एक्सटेंड्स अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होता है। अब जो याद रखने वाला पॉइंट है वो है एरिया। टोटल एरिया ऑफ दिस नॉर्मल कर्व इज टेकन एज वन। टोटल एरिया इस नॉर्मल कर्व का लिया जाएगा वन, और यहां पे एरिया का मतलब किसे है, प्रोबेबिलिटी से। सो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वन। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू वन। अब यहां पे माइनस इनफाइनाइट टू म्यू, ये तो फर्स्ट हाफ है, यहां तक का एरिया कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट टू म्यू इज 0.5, इज 0.5। एंड फ्रॉम म्यू टू इनफाइनाइट, म्यू से इनफाइनाइट तक ये भी कितना है, 0.5, इट इज ऑल्सो 0.5। तो इतना हमें पता होना चाहिए इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फाइन। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन नीटा। नाउ व्हाट दिस म्यू सिग्निफाई, म्यू का क्या मीनिंग है, इट मीन्स मीन। म्यू का मतलब है मीन। नीटा, नीटा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स, एक्स इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, जो हमें फाइंड करना है वो ऑलवेज कहां रखेंगे, एक्स में। जो भी हमें फाइंड करना है वो ऑलवेज रखा जाएगा एक्स में। एंड जेड, जेड क्या है, क्या जेड का मतलब मोड है, नो। यहां पर जेड का मतलब मोड नहीं है। तो जेड क्या है, जेड इज द वैल्यू, जेड इज द वैल्यू विच रिप्रेजेंट एरिया। ये एक ऐसी वैल्यू है जो एरिया को रिप्रेजेंट करती है। क्या z खुद एरिया है, नो, z इज नॉट द एरिया, बट z इज द वैल्यू विच रिप्रेजेंट एरिया। मतलब z की हेल्प से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसके कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाए। अब वैल्यूज हमें दे रखी है मीन, मीन इज 12, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, एंड वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। एक्स की वैल्यू
मोर देन इक्वल टू 20। यह हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। साथ में क्वेश्चन में एक टेबल वैल्यू गिवन होगी, z फ्रॉम 0 टू 1 इज 0.3413 एंड z फ्रॉम 0 टू 2 इज 0.4772। ये दो वैल्यूज हमें दे रखी है z की। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑलवेज क्या करेंगे, एक नॉर्मल कर्व हम पहले बना लेंगे। तो ये बेल शेप कर्व हमने बना लिया, सेंटर में क्या लिख देंगे, मीन। मीन कितना गिवन है, 12। मीन हमने पुट कर दिया। चलिए अब क्या करना है, अब हम अगर इस फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले में हम जो गिवन वैल्यूज है उसे पुट कर देते हैं। z इक्वल टू x, x में क्या रख देंगे, 20, x में रखेंगे 20, माइनस म्यू, म्यू का मतलब हो गया मीन, मीन कितना है 12, डिवाइडेड बाय नीटा स्टैंडर्ड डिविएशन, एस डी की वैल्यू कितनी है 4, सो z कितना आ गया 2, z इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स इन दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू काम में लेनी है, z 0 टू 2, ये वैल्यू हमें काम में लेनी है। अब कैसे यूज करना है वो देखें, म्यू हमने लिख रखा है 12, अब चाहिए हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो 20 कहां आएगा, आफ्टर 12, 12 के बाद में ही आएगा, दैट मींस राइट हैंड साइड में, तो यहां पे हमने मार्क कर दिया x इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमें मार्क करना है एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमें मार्क करना है कि कौन सा एरिया हमें रिक्वायर्ड है, तो यहां पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब 20 से ज्यादा, तो 20 से ज्यादा कौन सा एरिया है, राइट हैंड साइड, ये पूरा है मोर देन 20, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब x जब 20 है तो हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली है कितनी, 2, z इज 2, एंड मिडल में सेंटर में z क्या होता है, 0, z इज 0, सो फ्रॉम 0 टू 2 द वैल्यू इज 0.4772, z 0 से 2 की वैल्यू कितनी है 0.4772, बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, मोर देन 20। कैसे फाइंड करना है, तो हमें पता है म्यू से लेके इनफाइनाइट तक का एरिया होता है 0.5 एंड इधर म्यू से एक्स तक का एरिया है 0.4772, तो रिमेनिंग एरिया कैसा आएगा, दोनों का डिफरेंस, दैट इज 0.0228, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसी तरह से हम एक सेकंड पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। Find the probability that value of x is less than equal to 8. Find करना है value of x less than equal to 8. तो फिर से तरीका वही है कि हम पहले normal curve बनाएंगे, ये हमारा normal curve, middle में क्या लिखेंगे, mean, mean कितना लिखना है 12, सारी वैल्यूज हमें सेम दे रखी है, सिर्फ फाइंड क्या करना है x लेस देन इक्वल टू 8। चलिए मीन आ गया 12, अब 8, 8 कहां पे आएगा, 8 विल कम बिफोर 12, 12 से पहले आएगा, तो 12 से पहले हमने यहां कहीं मार्क कर दिया है 8,
दिस इज 8। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? तो क्वेश्चन ने कहा लेस देन 8, 8 से कम, दैट मींस लेफ्ट वाला जो पोर्शन है दिस इज लेस देन 8। ये हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए कर लेंगे। तो उसके लिए z हमें फाइंड करना होगा, x इज 8 माइनस मीन इज 12 एंड नीटा इज 4। z कितना आ गया? माइनस 1। z की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन का मतलब है ये लेफ्ट वाला पार्ट, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो किस साइड में आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। जब z की वैल्यू नेगेटिव है मतलब रिक्वायर्ड एरिया लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और जब z की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मींस रिक्वायर्ड एरिया राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आएगी या एरिया की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। फाइन, चलिए ये हमें फाइंड करना है। सो 0 से लेके 1, 0 टू 1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.3413, 0.3413, बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड एरिया। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया नहीं है। कौन सा है? इसके बाद वाला। इसके बाद वाला कैसे फाइंड करेंगे? ये पूरा एरिया है 0.5, इसमें से लेस करेंगे 0.3413, तो रिक्वायर्ड आंसर 0.1587। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 16। एक्स की वैल्यू क्या है? 16 से कम है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर से नॉर्मल कर्व बना दें, मीन इज 12। नाउ 16 कहां आएगा? 12 के बाद में। यहां हमने मार्क कर दिया x इक्वल टू 16। अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमें मार्क करना है। एरिया कौन सा होगा? लेस देन 16, 16 से कम। तो 16 से कम कहां तक? 12 या माइनस इनफाइनाइट। तो 16 से कम कहां तक होगा? पूरा लास्ट तक, दैट इज माइनस इनफाइनाइट। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? सेंटर में जेड 0, 16 पे जेड हमें पहले फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? 16 माइनस 12 अपॉन 4, दैट इज 1। जेड की वैल्यू आ गई है 1। सो 0 टू 1 का एरिया कितना है? 0.3413, 0.3413। बट ये एरिया तो कौन सा है? 0 से 1 का है। बाकी एरिया, ये एरिया कितना है? तो अभी हमने डिस्कस किया था माइनस इनफाइनाइट टू म्यू, ये एरिया होता है 0.5। नाउ द टोटल एरिया, कंप्लीट एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कैसा आएगा? इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का टोटल। ये 0.5 एंड बैलेंस है 0.3413। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 0.8413। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। देन नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें, नोट डाउन कर लें, एंड देन फिर आगे कंटिन्यू देख लें। सो पार्ट नंबर 4 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 16।
एक्स की वैल्यू कितनी है 16। इस बार हमें लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी नहीं दिया है, दैट मीन्स ये हमारा 16 आ गया। अब इससे लेस भी नहीं है, इससे ग्रेटर भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? दैट मीन्स देयर इज नो एरिया। 16 तो क्या है, एक सिंगल पॉइंट है, इट इज नॉट द एरिया, सो प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो। ऐसे केस में हमारा आंसर क्या होगा? जीरो, क्योंकि हम एरिया मार्क नहीं कर सकते, ना तो 16 से ज्यादा है और ना ही 16 से कम, इट इज सिंपली इक्वल टू 16, सो आंसर विल बी जीरो। फाइन, अब लास्ट एक और पाठ हम करेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्चुअली, और जिसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक फॉर्मूला यूज में आता है। अब वो कैसे करना है समझ लें। क्वेश्चन इज फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 16 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये हमारा क्वेश्चन है। इस बार ए अपॉन बी की फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे बनता है? ये फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। ए एंड बी में कॉमन क्या है? दोनों का कॉमन एरिया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसे हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, नॉर्मल कर्व बना दें। मीन इज 12। इस बार x की हमारे पास वैल्यू है 16, कहां आएगा? 12 के बाद में। दिस इज 16। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, न्यूमरेटर में है लेस देन 16, ये हमने मार्क किया है लेस देन 16। अपॉन में क्या चाहिए? ग्रेटर देन 12, 12 से ज्यादा, मोर देन 12। नाउ दिस इज 12 एंड 12 से ज्यादा, सो दिस कंप्लीट एरिया इज मोर देन 12, मोर देन 12, ये हमने मार्क कर दिया। अब फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ जेड। सेंटर में जेड इज 0 एंड व्हेन एक्स इज 16 देन जेड इज इक्वल टू, जेड कितना आता है? 1, जेड इज 1। सो ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स कॉमन एरिया, कॉमन एरिया कौन सा है? फ्रॉम जेड 0 टू 1, दिस इज द कॉमन एरिया, ये एरिया हमारा कॉमन है। अब इसका एरिया कितना है, तो जेड 0 टू 1 की टेबल वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 0.3413, 0.3413 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी। बी क्या है? एक्स ग्रेटर देन 12, एक्स ग्रेटर देन 12, तो 12 से ज्यादा, ये पूरे राइट हैंड साइड का एरिया जो कितना होता है? 0.5, इट इज 0.5, सो फाइनल आंसर 0.6826, 0.6826, सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं एरिया बेस्ड क्वेश्चंस। फाइन, तो इसी बेसिस पे अब आपको क्या करने हैं, दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो गिवन है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एज वेल एज स्कैनर में, दैट इज पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। फाइन,